आएंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कि खोटा कितना बाई कितना में उसको गड्ढा किया जाता है और खोटा को गड़ा जाता है, वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को जानकारी देंगे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए शुरू से एंड तक। अगर आप लोग इस सनी चाचा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अगर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को ऑल में सेलेक्ट कीजिए ताकि इस नई वीडियो अपलोड करने पर आप तक नोटिफिकेशन चले और आप सबसे पहले इसके बारे में जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किस तरह से गड्ढा करते हैं और उसको आज इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। ये खंती है, बच्चा सब है और आप यहाँ पर गड्ढा करेंगे। देखिएगा इस तरह से गड्ढा कर रहे हैं। आप लोग भी अगर कोकरी का खेती कर रहे हैं तो इसी तरह सेम टू सेम एकदम लाइन बाय लाइन गड्ढा करना चाहिए जिससे आपकी तार बंधने में थोड़ा आसानी हो जाए, इधर उधर नहीं होगा। तो देखिएगा यहाँ पर गड्ढा कर रहे हैं इस तरह से, थोड़ा नजदीक से दिखाइएगा। यहाँ पर देखिएगा यहाँ इस तरह से हम गड्ढा कर रहे हैं। देखिएगा सेम प्रोसेस आप लोग को भी करना है। ये खंती है और इसी से गड्ढा कर रहे हैं। थोड़ा भूतर है लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा आप लोग जरूर से जरूर, ताकि आप लोग भी इस तरह की खेती अगर कर रहे हैं मचान वाला तो इस तरह की गड्ढा तो जरूर करना ही पड़ेगा। चलो दिखा देते हैं गड्ढा करके। भी हो चुका है गड्ढा इतना, थोड़ा नजदीक से दिखाएगा इसको। इस तरह से गड्ढा कर रहे हैं एकदम सेम टू सेम, आप लोग को भी इस तरह से गड्ढा करना है। खुद से मेहनत कर रहे हैं क्योंकि मेरा खेती जो है थोड़ा छोटा है, कम खेती किए हैं। और अगर बड़ा सा प्लॉट में आप लोग को खेती करना है, हम प्रोसेस बता रहे हैं, और बड़ा सा प्लॉट में अगर खेती करना है तो आप लोग को लेबर का जरूरत पड़ेगा। तो मैंने आप लोग को ये जो कर रहा हूँ समझाने के लिए कर रहा हूँ, इस तरह से करना है। देखिए अभी ये हो चुका है, इसको इधर दिखाइएगा। देखिए इस तरह से गड्ढा किए हैं और सेम प्रोसेस मैंने वहां पर भी किए जो कि देख सकते हैं। और ये जो है एक लाइन वहां पर है एक और यहाँ एक, तो इनकी दूरी है कम से कम 12 फीट। और ये एक लाइन में है और दूसरी लाइन वहां है, यहाँ है दूसरी लाइन जो कि वहां से इसकी दूरी 15 फीट की है और वहां से 15 फीट, वहां से 15 फीट, यानी कि एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी 15 फीट है और एक लाइन की गड्ढा के डिस्टेंस है 10 फीट। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से, यहाँ से फिर यहाँ गड्ढा करेंगे। तो ये मैंने समझाने के लिए कर रहे हैं, आप लोग को भी सेम प्रोसेस करना है। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं फिर। और इस तरह से मैंने, मेरा लत बहुत बड़ा बड़ा हो चुका है और हाल ही में मैंने यहाँ पर बोरिंग करवाए हैं। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर जो कि खेती के लिए बोरिंग करवाए हैं, अभी मोटर वोटर नहीं लगवाए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ भी एक गड्ढा किए इस तरह से और इधर सेम प्रोसेस है। तो जैसे ये वाला खुट्टा जो है, यही सब खुट्टा गड़ेंगे जो कि खुट्टा की लंबाई लगभग वही सेम 10 फीट 10 फीट 12 फीट का होगा, जो कि 1 फीट
जमीन के अंदर जाएगा और बाकी इधर ऊपर है, यानी 8 फीट, 8 फीट 12 फीट स्पर्श रहेगा। और यही प्रोसेस आप लोग को भी, अगर खेती कर रहे हैं तो यही प्रोसेस आप लोग को भी करना है, सेम टू सेम यही प्रोसेस करना है, ताकि आपकी मचान में थोड़ा मजबूती हो जाए। अगर ज़्यादा दूर करते हैं तो आपकी मचान जो है नीचे की ओर झुक जाएंगे, जब उसकी फल आने लगेंगे कोकरी की, तो वो नीचे क्या होंगे कि नीचे की तरफ वो झूलेंगे, तो तोड़ने के लिए यानी हार्वेस्टिंग के समय आपको थोड़ा दिक्कत होंगे, इसीलिए आप लोग थोड़ा हाइट में ही करना है, 6-7 फीट की आसपास में ही मचान करना है। तो फिलहाल अभी मैंने गड्ढा किए, फिर इसके बाद खोटा गड़ेंगे, खोटा गड़ने के बाद आप लोग को फिर तार बांधेंगे, मचान करेंगे, वो आप लोग को अगले पार्ट में आप लोग को दिखाएंगे। अभी जो मैंने गड्ढा किए, सेम प्रोसेस आप लोग को करना, और यही सिर्फ आज की वीडियो में जो है गड्ढा किस तरह से करना है और कितना बाई कितना दूरी में करना है, यानी कि एक लाइन दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी आपको 15 फीट रखना है, और एक ही लाइन में खोटा की डिस्टेंस होना चाहिए 10 फीट। तो आप लोग यही सेम करना है, और आप वहाँ जमीन से मचान की हाइट लगभग 6 फीट होना चाहिए, 6-7 फीट के आसपास, तब आपकी मचान में मजबूती होंगे या फल आने के बाद, नहीं तो आपकी जो है वो मचान झूल जाएंगे। ठीक है, झूलेंगे नीचे की तरफ आएंगे, तो आपको हार्वेस्टिंग के टाइम आपको थोड़ा झुक करके वो हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा दिक्कत करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहाँ अंत करते हैं, आप लोग अगले पार्ट में आप लोग को दिखाएंगे कोकरी का ही जो मचान खोटा बांध करके मचान किस तरह से किया जाता है, यानी कि तार किस तरह से बांधा जाता है, वो भी आप लोग को दिखाएंगे। तो आप लोग को वीडियो पे सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो यहाँ अंत करते हैं, धन्यवाद।